सब्सक्राइब करें टेक विद सुमित और बेल आइकन को प्रेस करें फॉर लेटेस्ट टेक न्यूज के लिए। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि जो एसुस का जेनफोन 5Z है वो लॉन्च होने वाला है इंडिया में, उसमें उसके जो है दो वेरिएंट लॉन्च होने वाले, एक ZN और एक Z Lite लॉन्च होने वाला है। और दोनों की स्पेसिफिकेशन भी अलग अलग होने वाली है और प्राइस भी दोनों की बहुत डिफरेंट होगी। और जो है फ्लिपकार्ट पे इनकी प्राइस जो है लीक हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छे फ़ोन बोल सकते हैं इनको। और जो है इनकी स्पेसिफिकेशन क्या है और क्या नहीं है और इसमें क्या खासियत है वो मैं बताता हूँ इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और आप मेरे साथ देख रहे हो टेक विद। दोस्तों, जो जो ये फ़ोन है Zenfone 5 और Zenfone 5Z, जो किस किस स्पेसिफिकेशन है, जो दोनों फ़ोन है इनकी जो स्क्रीन साइज़ है वो 6.9 की 9 इंचज़ की रहने वाली है। और जो इसकी बॉडी है वो अल्यूमिनियम फ्रेम फ्रेम के साथ आपको ये बॉडी मिलेगी बैक से, और इसमें आपको ड्यूल कैमरा मिलेगा और जो है नोच के साथ आपको ये इसकी स्क्रीन मिलेगी। और जो इसका रियर कैमरा है वो मिलता है आपको 12 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल, और ये आप इससे कर सकते हो 4K में रिकॉर्डिंग। और जो मतलब 4K में रिकॉर्डिंग करने के साथ साथ आप इसमें मतलब पिक्चर्स ले सकते हो हाई क्वालिटी में। और इसमें जो है पीछे की तरफ तो एक आपको मिलता है, इसके साथ आपको मिलती है LED फ्लैश जो कि हर एक फ़ोन के साथ साथ मिलती है। और जो इसका फ्रंट कैमरा मिलता है आपको वो मिलता है आपको 8 मेगापिक्सल का, और जो बैक कैमरा है वो है 12 प्लस 8 मेगापिक्सल। मैं आपको प्रोसेसर मिलता है स्नैपड्रैगन का 835 का प्रोसेसर मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, जो कि मतलब आज जो पिछले फ़ोन है उनमें कम ही दिखने को मिला है 835 का प्रोसेसर, नहीं तो 600 से लेकर 700 के बीच में प्रोसेसर देते थे वो। और जो ये फ़ोन है इसमें आपको मिल रहा है 835 का प्रोसेसर मिल रहा है स्नैपड्रैगन का ऑक्टा कोर का। और जो Zenfone का 5 और 5Z है, इन दोनों में आपको जो है ऑक्टा कोर का स्नैपड्रैगन का 835 का प्रोसेसर मिलेगा। तो बात करते हैं इसकी मेमोरी की। इसकी मेमोरी जो है आपको मिलती है दो सेट में, एक में मिलती है 4GB प्लस 4GB और 6GB रैम, और दोनों 4GB रैम और 6GB रैम, और दोनों की मतलब जो है रोम होगी। अगर आप लेते हो 4GB रैम वाला फ़ोन और उसकी जो रोम होती है वो है 64GB, और अगर आप लेते हो 6GB रैम और उसकी जो है रोम होगी 64GB, मतलब दोनों अगर आप 4GB लेते हो 6GB लेते हो दोनों की रोम जो है सेम रहने वाली है और प्राइस जो है दोनों की डिफरेंट रहेगी। और मेमोरी तो इन दोनों की सेम है, रोम इनकी मेमोरी थोड़ी अलग अलग है, रैम इनकी अलग है, एक 4 है फिर दो ज़्यादा करके 6 है, और जो है रोम है इनकी दोनों की सेम है। और जो Zenfone 5Z है वो मिलता है आपको 3 वेरियंट में, 4GB 6GB और 8GB रैम में, और दोनों की इन तीनों की भी शायद एक फोन 5Z है वो 4GB मिलता है आपको 64GB 6GB रैम में मिलती है आपको 128GB की स्टोरेज, और जो 8GB रैम है उसकी मिलती है आपको 256GB की स्टोरेज। और Zenfone 5Z की मतलब जो है रैम भी अलग है और जो रोम भी थोड़ी अलग है, और जो Zenfone 5 है उनमें जो है रैम दोनों अलग है और रोम दोनों की सेम ही रहेगी। बैटरी मिलती है आपको इसमें 3000 mAh की बैटरी मिलती है, और जो एंड्रॉयड मिलता है वो आपको 8.0 का मिलता है, और ओरियो अपडेट के साथ आपको ये फ़ोन जो है मिलेगा, और ये आपको फ्लिपकार्ट में मिलेगा, और आपको फ्लिपकार्ट में लेने के साथ साथ आपको शायद मतलब डिस्काउंट भी देंगे या नहीं देंगे, ये देखते हैं क्या होता है। जो इसमें चार्जिंग केबल है वो मिलती है आपको टाइप सी की केबल मिलती है, और इसमें जो है ड्यूल सिम या मेमोरी कार्ड डाल सकते हो आप इसमें, और जो इसके में फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है आपको और स्टीरियो का स्पीकर मिल जाता है। ये स्पेसिफिकेशन बताइए आपको ऊपर, ये थी Zenfone 5 जो मैंने ऊपर स्पेसिफिकेशन बताई आपको वो है Zenfone 5 और Zenfone 5Z की। अब बताता हूँ मैं आपको Zenfone 5 Lite की जो है स्पेसिफिकेशन क्या है और क्या है इसमें खासियत। तो दोस्तों, इसमें भी आपको मिलता है गोरिल्ला 2.5D का ग्लास मिलता है, एल्युमिनियम फ्रेम के साथ मिलता है, जो कि इसके बैक कवर है एल्युमिनियम फ्रेम जो है इसका एल्युमिनियम रहने वाला, बैक कवर इसका पता नहीं शायद एल्युमिनियम का रहेगा, एल्युमिनियम का तो नहीं, शायद ग्लास का रह सकता है इसका। स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो 6.0 इंचेस की स्क्रीन रहने वाली है इसकी, और जो इसका बैक रियर कैमरा है वो रहने वाला है 16 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल का, जो कि Zenfone 5 का था 12 मेगापिक्सल, इसका है 16 मेगापिक्सल, ये जो है 4 मेगापिक्सल ज़्यादा है इसमें। और जो आपको इसमें पीडीएफ पे की मतलब रिकॉर्डिंग कर सकते हो, 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हो,
और जो है इसमें आप DSLR जैसी मतलब पिक्चर क्वालिटी मतलब लेके लुकिंग जो है पिक्चर क्वालिटी की लुक जो है काफ़ी ज़्यादा हाईएस्ट रहने वाली है इसकी फ़ोन की। जो फाइव है जेनफोन का, उसमें खासियत क्या है, दो वेराइटी में लॉन्च हो रहा है, एक जो स्नैपड्रैगन 430 के साथ लॉन्च हो रहा है, एक दूसरा स्नैपड्रैगन 630 के साथ लॉन्च होगा। और दोनों वेराइटी हैं, दोनों की प्राइस जो है रहने वाली डिफरेंट डिफरेंट, और जो है बाकी जो स्पेसिफिकेशन इनकी सेम ही है, 3000 mAh की बैटरी है, फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा आपको, ड्यूल कैमरा मिलेगा, बल्कि ड्यूल कैमरा में आपको जो है इनके मेगा पिक्सल भी अलग अलग देखने को मिलेंगे, और जो पिक्चर क्वालिटी है दोनों की भी अलग अलग रहने वाली है, फ्रेम दोनों का सेम है, और जो है मतलब इनमें आपकी एक मेमोरी कार्ड या एक सिम कार्ड या दो सिम कार्ड डाल सकते हो, और बाकी इसमें जो है टाइप सी केबल मिलेगी आपको, और जो फास्ट चार्जिंग के साथ मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो बाद में ही पता चलेगा कि आपको फास्ट चार्जिंग मिलता है या नहीं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, और अगली वीडियो में आपको बताऊंगा मैं कि रेडमी 5A में जो है ग्लोबल बीटा रोम इंस्टॉल कैसे करें और क्या करना चाहिए, क्योंकि रेडमी 5A में ग्लोबल बीटा जो है रोम जो है वो आ गया है, और वो जल्दी आपको देखने को मिलेगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही।